स्वामी महाराज की जय। श्री आगाजी महाराज की जय। कुमारी श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज की जय। कुमारी श्री गणेशदास जी महाराज की जय। श्री रामेश्वर दास जी महाराज की जय। कुमारी श्री नारायण दास जी महाराज की जय। सर्वसंत भगवान की जय। श्री रूपनाथन जी महाराज की जय। भक्ति सुधामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी जी महाराज के द्वारा बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अंतर्गत ये बात बताई गई है कि भक्ति करने वाले अगर हमारा कल्याण होगा तो भक्ति से, जिस परमात्मा ने हमको जीवन दिया उनका भजन करो, भक्ति करो। भक्ति कैसे करना चाहिए इस संबंध में सब संत महापुरुषों ने अपने अपने अनुभव वर्णन किए हैं, उनका भी अनुभव है। उनका कहना यह है कि ये वर्णन किए जा रहे हैं 64 अंग उस व्यक्ति के अंतर्गत होने चाहिए। ये भक्ति के अंग हैं, ये 64 बातें अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। इसमें लगभग 30 की बात आपको सुना चुके हैं। बात आई थी सेवा, परिचर्या, सेवा करना। जिसको जो भक्त है भगवान का उसे सेवा करना चाहिए। नाम जप रहे ये भी सेवा है, लेकिन इतने भर से संतोष नहीं कि हम नाम जप रहे हैं तो बैठे बैठे माला फेर बताओगे, कुछ नहीं करना। नाम भी जपी है और साथ साथ में हाथ पांव से सेवा भी करनी चाहिए। जो बन सकता है वो सेवा भी करना चाहिए। जैसा हमने सुना है कि विभीषण जी से हनुमान जी की भेंट हुई लंका। विभीषण जी ने कहा हमारी प्रणाम जी कब कृपा करेंगे, शिक्षण तो काम करेंगे, हनुमान जी का नहीं करेंगे। तुम क्या करते हो? तो रात दिन भजन करते, भजन तो करते हो तो सेवा भी करते हो राम जी की, तो हम यहाँ क्या सेवा कर सकते हो? अरे जितनी शक्ति है उतना तो करो। रावण जानकी जी को हरण करके ले आए, आपने उससे कभी कहा कि एक काम तुमने अच्छा नहीं किया, एक काम बढ़िया नहीं किया तुमने? तो वापस कहा तुमने तो हमने तो नहीं कहा, नहीं कहा तो कहा सेवा कर रहे हो? अरे कम से कम वाणी से तो सेवा कर सकते हो। हनुमान जी गए और विभीषण जी ने बात रखी रावण के दरबार में, रावण के दरबार में बात रखी राम ने मारी लात, लात मारी जी निकाल दिया, निकाल दिया राम जी के दर्शन हो। सेवा की जितनी बन सकी सेवा की, राम जी के दर्शन हो गए थे, नहीं तो बैठे रहे थे लंका में। तो वैष्णवों को सेवा परायण होना चाहिए, जितना बन सकता है उतना तन से मन से धन से वचन से सेवा करना चाहिए। इस सेवा करने में कुछ दोष भी बन जाते हैं, इस संबंध में हम आपको 32 सेवा के अपराध और 10 नामा अपराध की चर्चा आपको कल परसों में सुनाते हैं। आगे चलिए 31 वाली बात है। गीत मतलब कुछ नहीं पर गीत लगा, गीत का माने गाना चाहिए। जितनी योग्यता हम बहुत बढ़िया एकदम शास्त्रीय संगीत क्लासिकल गाते नहीं बनता है, नहीं बनता जैसा बनता है, जैसा बने वैसे का गाना। भगवान के भोग अकेला नहीं है, भोग के साथ राग भी है, राग भोग विचरण। ये बात यहाँ अयोध्या जी में मंदिर के राग भोग की व्यवस्था है, भोग की व्यवस्था हमने कर, भोग की व्यवस्था होना चाहिए, राग की भी होनी चाहिए। राग माने जब भोग लगे तो कोई बैठ करके जेवनार गावे सुनावे ठाकुर जी, जिस तरह से बन सकता उतना गावे गीत। 31 में संकीर्तन करे, भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन करे, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय कैसे जय से जय, जैसे कैसे बने तैसे कीर्तन करना चाहिए और अकेले नहीं करना चाहिए कीर्तन, बहुत लोगों को साथ, उसको कहते संकीर्तन। अकेला थोड़ी होता कीर्तन, बहुत लोगों के साथ होता, सबको बताते संकीर्तन करे। पीछे कौन सा कीर्तन हो रहा है? संकीर्तन पंखा बंद कर रहे हैं।
तो संकीर्तन करे, गीत गावे, सेवा करे, पूजा करे, संकीर्तन करे, अंग रहे। और इसके बाद आप 33वीं बात, मंत्र का जाप करे। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है ना, वो मंत्र सामान्य नहीं है, विशेष है। तभी ना गुरु जी ने चादर उड़ा करके कान में सुनाया है, सबके सामने नहीं सुना दिया जा सकता। सीताराम करो, सीताराम करो, ऐसा नहीं कहा है। मंत्र दिया है, मंत्र गोपनीय होता है, तो हर किसी को सुनाया नहीं जाता है। वो तो मंत्र गुरु जी ने हमको चादर उड़ा करके दाहिने कान में धीरे से सुना दिया है, उसका महत्व है। अगर महत्व नहीं होता तो क्या और उसकी जरूरत क्या पड़ेगी। अरे सीताराम चरण तो महामंत्र सबको पता, सबको मेरा सीताराम करो, सीताराम करो, सब करते हैं, इससे विशेष है। अरे सीताराम, सीताराम दूध है और वो कोमलाई है, कोमलाई की विशेषता तो होती है, स्वाद भी ज्यादा होता है, पौष्टिक भी ज्यादा। मंत्र का जाप कितना करे, अधिक से अधिकम करना, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक करे। मंत्र में जितने अक्षर हैं कम से कम उतने हजार, उतने हजार मंत्र का जाप। हमारे यहाँ छह अक्षर का मंत्र, छह हजार रोज का जाप करो, 6000। राम मंत्र निश्चिन जपो, मंत्र का जाप 6000 तो कम से कम है। और अगर आपको समय निकल सकता है तो 6 लाख राम जपो, 6 लाख का अनुष्ठान होता है। हमारे गुरु जी अपने तो जिंदगी भर की है, आखिरी में शिथिल हो गए, तो गुरु जी ने एक तरीका और अपनाया था, चेला बुलाया था, चेला ऐसे वैसे चेला नहीं, अखबार पढ़ते हो क्या? हाँ, वो थोड़ा न्यूज वगैरह थोड़ा सब देख लेते हो, तो नहीं बैठ सकते, टीवी देखते हो, हाँ उसके ऊपर गुटका समा पूछ आए कितने तक है, तो उनको भी प्रवेश नहीं। उस बीच में जहां सब लोग बैठ के मंत्र का जाप करेंगे, हॉल में दो हॉल इसके लिए निश्चित किए गए थे, उनमें एक पुरुषों के लिए एक माताओं के लिए अलग अलग, और वहां पर इनका प्रवेश नहीं है। अच्छा एक और बता, कौन कौन सी, टीवी नहीं, अखबार नहीं, चाय नहीं, और क्या, और प्रतिदिन मंत्राज का जाप 6000 करते हैं कि नहीं, बोले कभी कभी कर लेते, अलग बाहर बैठो और के अंदर नहीं, तुम वहां का वातावरण बिगाड़ोगे। वहां जो बैठेंगे वो सब मंत्र के जाप जप करने वाले निष्ठावान है, उनके बीच में तुम नौसिखिया के घुसोगे ना तो उनका रस बिगड़ेगा, बाहर जाओ, हॉल के अंदर नहीं, बाहर यहाँ उधर बैठो, बरम दे वहां बैठ के करो, करो सब जैसा सब बोले। क्लास स्कूल में होता है ना, पहली कक्षा में बैठना है और पहली में ही बैठने की योग्यता नहीं है तो चलो केजी में, चलो लोअर केजी, अपर केजी में, पहले 2 साल की पढ़ाई वहां का सब इसमें बैठे ऐसे। और उनको फिर 10 घंटे रोज का नाम जप करना, 10 घंटे 60,000 मंत्र का जाप रोज करो और 10 दिन में 6 लाख हो जाएगा, रावण होगा, भंडारा होगा और उसके बाद फिर अपने अपने घर जाओ। ऐसा साल में एक बार, लोग साल भर प्रतीक्षा करते हैं, जिनको उसमें रस मिलता, सुख मिलता, ये कुछ मिलेगा तभी ना मंत्र का महत्व है। कई प्रकाटी अनादिकाल से चली आ रही चेला गुरु की, बहुत लोगों ने हल्ला मचाया, बंद हुई न बंद होने वाली है, तो उसमें कुछ विशेषता है तब ना है, उसमें कुछ मिलता है जो भजन करते हैं। देखो एकाध दो माला फेरते हैं ना, उससे काम नहीं बनता है, इस दिमाग में जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना वो साफ नहीं होता, गंदा कपड़ा है हमारा, और गंदा कपड़े में हमने लिया इतना सा पाउडर, इतना सा डाल दिया, कुछ नहीं हुआ, तो साफ ही नहीं हुआ है, इतना से कैसे होगा साफ। बाल्टी में गर्म पानी चले ये झोंक भर दीजिए, ये झकाझक साफ में ऐसे ही जब 60,000 10 घंटा रोज का जपेंगे तो वो दिमाग में दिन रात घूमेगा,
फिर आप और सोने लग जाएंगे तो भी मंत्र, आप शौच में बैठेंगे तब भी मंत्र का उच्चारण होगा। और जब दिन रात घूमेगा दिमाग में मंत्र ना, मंत्र क्या है, मंत्र मंत्र के देवता और मंत्र प्रदाता तीन लोग एक ही, तीनों एक हैं। जो मंत्र है वही मंत्र के प्रदाता है, प्रदाता माने गुरु जी, और मंत्र के देवता कौन है, सीताराम जी। ये तीनों एक ही हैं। जो गुरु जी है वही मंत्र है, जो मंत्र है वही भगवान है, जो भगवान है वही मंत्र, एक ही तीनों है। जैसे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुल, ऐसी तीनों एक ही तत्व है। तो जो भगवान जब हमारे दिमाग में घूमेंगे ना 10 घंटा, तब हमारे दिमाग का सारा अथड़ा कचरा सब निकल के अलग हो जाएगा, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। शैला ऐसा मंत्र, उसका प्रभाव ऐसा। वो कथा सुनाते ना उनकी ठाकुर साहब की, वहां के बिंदवास में मिर्जा को मतलब उसका मूल बात बता देते हैं। उन मंत्र तो रोज देखते थे, 6000 तो रोज अपना अनुष्ठान भी किए थे, लेकिन जो चमत्कार भगवान की तरफ से कुछ ऐसा समझ में नहीं आया था। तो एक दिन भैरव बाबा का मंत्र समझ में आ गया, अरे तो बड़ा चमत्कारी है भाई, भैरव बाबा का मंत्र बड़ा चटपट काम करता है, अरे ये तो बहुत बढ़िया, हमको दे दो। तो भैरव बाबा का मंत्र लिए, राम मंत्र छोड़ दिए, भैरव बाबा जैसे भैरव बाबा नहीं, कौन सा मंत्र भैरव बाबा वो जपे भैरव बाबा। अब भैरव बाबा का मंत्र जपे 4 महीने 6 महीने के भीतर भैरव बाबा प्रसन्न हो गए, आवाज सुनाई पड़ी, हम प्रसन्न है भैरव, मांग लो जो वरदान मांगना हो हमसे। आवाज सुनाई पड़ी, दिखाई कुछ नहीं पड़ा, बोले पहले दर्शन दीजिए। बोले जब तुम डर जाओगे दर्शन के चक्कर मत पड़ो, जो मांगना हो मांग लो। नहीं हम नहीं डरेंगे, हम डरेंगे नहीं, आप हमको दर्शन दीजिए, हमने आपका मंत्र जाप किया। बड़ी समस्या, वो मंत्र वो कह दर्शन दीजिए, भैरव बाबा चक्कर। भैरव बाबा ने कहा सुनो, तुमने राम मंत्र जपा, हम तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते, आ नहीं सकते सामने, इतना तेज है तुम्हारे भीतर। अब उनको अपनी भूल समझ में आई कि हम कितने चक्कर हम पड़ गए, जिस मंत्र के प्रभाव से हमारे सामने भैरव बाबा सामने खड़े नहीं हो सकते, उस मंत्र को हमने छोड़कर के हमने भैरव को पकड़ लिया, कितनी बड़ी भूल है। अरे कुछ मांगना है नहीं तो हम चले जाएंगे, हाँ मांगना है, यही मांगना है कि हमारी राम मंत्र में निष्ठा हो जाए, ऐसी कृपा कर दे, हम पूछ लेते हैं चले। मतलब कहने का कि राम मंत्र का प्रभाव होता है, जो राम मंत्र जपते हैं उनके सामने सामान्य शक्तियां खड़ी हो सकती है। पाताल भूतल व्योम चारण रक्षक में चारण न दृष्टि सत्ता से रक्षित हम राम नाम ही, राम मंत्र से सुरक्षित है, राम नाम से सुरक्षित है, उनके सामने ये शक्तियां टिक नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकते, या तो इतना प्रभाव से शक्ति होती राम मंत्र। तो हमारे योगानंदाचार्य जी महाराज ने कहा राम मंत्र निश्चिन जपो। अब जो चल रहा है तो ठीक है, अच्छा है, जब नहीं कुछ नहीं किया तो ठीक है, नहीं तो समय निकालिए, और समय अब और हमको इसी के बस, और हमको जीवन का कोई उद्देश्य कुछ नहीं रहे, एक बात रह गई जीवन में कि मंत्र नहीं दे पाए, क्योंकि हम सरकार की सेवा में रहते थे, तो सुबह से लेकर रात तक हमको सेवा रहती, सुबह से हम दौड़ते थे तो सरकार के करीब 10-11 बजे तक दरबार चलता था, वो हमारा कीर्तन करना, भजन करना, पद गाना, उसकी व्याख्या ही सेवा रहती थी। और वहां से आए, प्रसाद पाया, कुछ और दर्द की बात है, उसके विश्राम किया, शाम को कथा 4 बजे से कथा शुरू हो गई, कथा के बाद में फिर गुरु जी के हम दौड़े जाओ, रात के फिर 10 बजे 11 बजे सब यही चलता था। अब मन से कब अनुष्ठान होता था, आपका क्या विधान है, जैसा कही हम यहाँ सेवा में पूरी तो सेवा कर रहे हो, ये भी मंत्र ही है, आप यही सेवा करो, कोई बात नहीं, ऐसा सरकार के छूट में नहीं होगा। तो हम कोई ऐसे कभी एक आध दो बार सुनने का लगा, अब अभी समय मिला, अब जब नहीं होगा कुछ नहीं करना, सब काम हो गया,
जो जब कर्ण दिमाग में थे सब मनुष्य हो गए, ये किताब विताब जो था सब सब काम हो गए। अब ये समस्या बैठे नहीं, इसीलिए कहा है बाल अपना हंस खेल गमायो और कर्ण में तो भूख होना और वृद्ध भाई तब रोग उपजे। हाँ पहुंचे तो हार्ट कछु न बना, अब हार्ट उठने वाली है और ये ठीक हो जाता तो जब तो कुछ समय जिंदगी का जो कुछ बचा हुआ है तो मंत्र का जाप कर ले। मंत्र जाप का भजन का महत्व तो भगवान से ज्यादा है, भगवान मिल जाए उसका उतना महत्व तो नहीं है, मंत्र का ज्यादा महत्व। एक महापुरुष हो गए हैं कर्दम जी महाराज, श्रीमद भागवत में कथा थी कर्दम जी, ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम जी की उत्पत्ति हुई ऐसा श्रीमद भागवत में लिखा। कर्दम जी की पत्नी थी देवहूति, श्री स्वयं मनु जी की तीन बेटियों में से मझली बेटी देवहूति कर्दम जी को ब्याह गए। उन कर्दम जी और देवहूति के संयोग से नौ कन्या हुई, नवधा भक्ति स्वरूपा नौ कन्याएं हुई और एक बालक हुए। कौन हुए? भगवान कपिल भगवान, उनके कपिल भगवान पुत्र हुए। कपिल भगवान भगवान है साक्षात परमात्मा, घर में आ गए पुत्र बन करके आ गए। कर्दम जी महाराज ने दंडवत किया भगवान, कैसी दंडवत हो रही है? बालक मान करके बेटा मान के नहीं हो रही है, परमात्मा मान करके हो रही है। दंडवत किया भगवान ने पूछा पिता ये दंडवत कैसे क्यों हो रहे हो? बोले आज्ञा दीजिए हम भजन करने का, वन में भजन करना है आज्ञा। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि हम तो तुम्हारे घर बैठे भजन क्यों करते हैं, नहीं ये नहीं कहा। बहुत अच्छी भगवान घर में बैठे हुए हैं और भजन करने जा, इसका मतलब है भगवान के दर्शन से भी भजन का ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो दर्शन हो रहा है कि पूर्ण परमात्मा नहीं है हमारे सामने है, और जो भजन करेंगे तब वो समझ में आएगा कौन भगवान। सो आनंद ने जाके राम जी ने कहा, सो आनंद ने जाके मति न डरे हनुमत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी, सारा चराचर जगत परमात्मा का दर्शन हो गए, सब में भगवान जड़ चेतन में पत्थर में भगवान दिखने लग गया। वो स्थिति प्राप्त हो जाए, वो भजन से प्राप्त होगी और कोई उपाय नहीं है। तो इस भजन को मंत्र जाप दिया हुआ है, इतना संख्या है 33 मंत्र जाप। मंत्र जाप जितना अधिक से अधिक हो, मंत्र का जाप करेंगे जितना अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक बना राम मंत्र निश्चिन दिन रात, राम मंत्र निश्चिन जो करे निर्जन बनवा करें निर्जन। हमारे हम तो कह रहे थे हमने जपा नहीं, हमारी सरकार ने आप लोगों को कई बार सुना अपनी जवानी में जंगल में घर में रह करके नहीं, जंगल में माने पूरे भगवान के भरोसे, घर में तो व्यवस्था है ना अपनी, उस व्यवस्था को किनारे कर दिया, भले जंगल में जहां से रहते रहते थे, सरकार ने करवाया अनुष्ठान प्रेम यज्ञ, प्रेम यज्ञ करवाया मंत्र का अनुष्ठान नहीं, वो अलग ही ढंग का, लोग कहते हैं तो हो गया, वो अब वो वैसा होने वाला नहीं है, अब सरकार चलेगी अब तो कहां जो उसमें लोग बुलाए गए योग्य योग पात्र, हर किसी का प्रवेश नहीं प्रेम यज्ञ में। उस यज्ञ में एक रामकृष्ण सेठ भी आए थे, सरकार से इतनी बड़ी निष्ठा थी, रीमा से शेठी जी थे व्यापारी, वो भी आए थे और भोर में 11 बजे रात में विश्राम और भोर में 3 बजे उठना, कितना हुआ 4 घंटे, 4 घंटे का विश्राम होता और 3 बजे उठ करके स्नान और स्नान 3 बजे पहुंचे रहे तक, 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक नहीं होता। हो गए शेठी शौच के लिए, शौच के स्नान कर दूर निकल गए जंगल है और लौट के आए तो बालू में शेर बैठे, वही बालू में जब पहुंचे रास्ता आने का वही बैठा शेर हो गया, था वो छोड़ गया शेर जी
और हे गुरुदेव हे गुरुदेव हे गुरुदेव हे गुरुदेव बचा लीजिए गुरुदेव बचा लीजिए, वो तो एक ही झपट्टा में तो काम हो जाना है, शेर तो शेर है। जय गुरुदेव जय गुरु करते चलिए बैठा ऐसी जगह सरकार को बताए कांप गए हूँ सुना सुन सरकार सुना चलता है आपने बचा लिया, कार्यक्रम पूरा हो गया सत्यता हो गए सब जाने की तैयारी हो गई। एक सज्जन थे उनको जंगल पार करके ही गाँव उनका था उनको भी जाना था, सरकार ने कहा आज ना जाओ सर आज ना जाओ सब चले जाएंगे यहाँ खाली सुन हो जाएगा कल जाना, सरकार वो जरूरी काम है सरकार है सर काम है सरकार है ठीक है जरूरी काम तो जाए सामान अमर लिया आपने चलिए चले तो रोड पर जा रहे थे ठीक रोड के ऊपर में शेर पड़ा रास्ते में रोड जो जिस आने जाने वाला रोड उसी में शेर पड़ा हुआ दिन की बात रात की बात अब तक आमना सामना नहीं अब समझ में आया कि गुरु जी ने कहा था कि मर जाओ और हमने नहीं बात मानी अब आज जीवन का अंतिम दिन आ गया आज अब पीठ देकर के नहीं चल पाए इसलिए पीठ देकर के चलेंगे तो हम दौड़ पाएंगे उसके बराबर उल्टे पांव चले मुंह उसी तरफ में जब आधा किलोमीटर करीब निकल आए और तब फिर उलट करके फिर लगाए दौड़ सरकार ने रात में पूछा शाम को क्या हुआ जाएंगे नहीं जो सब घटना घटी सब सुनाई गए प्राण बच गए किसी तरह से ऐसी जगह में कुटिया बना करके सरकार ने 13 करोड़ राम मंदिर का जाप किया है? इतना जाप किया कि राम मंत्र का शरीर में दर्शन होने लगा छप गया शरीर लोगों ने देखा ऐसे दो चार बार राम मंत्र का दर्शन हुआ लोगों को सीताराम नाम का दर्शन हुआ लाल पीठ नीला स्याही से जैसे लिख दिया हो ऐसे पूरे शरीर में छप गया ऐसा दर्शन हुआ। ये है मानव जीवन मनुष्य का जीवन जिसको कहते हैं दुनिया के आए बाएं हमारी जिंदगी बीत गई जीवन ही बीत गया और कुछ हाथ लगा कुछ मिलता है संसार में है? तो जितना बन सके अधिक से अधिक से समय निकाले निकलेगा चौथी स्वाम विज्ञप्ति विज्ञापन करें किस विज्ञापन भगवान करें जिस लोग विज्ञापन करते हैं ना प्रचार करते हैं लोगों का तो सबसे बढ़िया प्रचार करने लायक उनसे बड़ा कोई हो सकता है ठाकुर जी का प्रचार करें तो कैसे प्रचार करें हुआ एक हुआ और क्या हुआ भगवान के गुणगान गाए प्रचार करे लोगों को सुनाए समझाए या भजन करो भगवान की तरफ मोड़े विज्ञापन 35 इष्टोपाठ करें स्त्रोत्र जैसे जिसके जो इष्ट है राम रक्षा स्त्रोत्र हनुमान चालीसा है और भी है बहुत जिसके अपने इष्ट के अनुरूप हर किसी का नहीं करना हमें सीताराम जी का मंत्र मिल गया है और सब इधर उधर के कर रहे हैं राम जी का किशोरी जी का हनुमान जी का संतों का इनका पहले गुरु जी का स्तोत्र पाठ करना है नैवेद्य का आस्वादन भगवान को भोग लगा करके जो प्रसाद हुआ उसको स्वाद के लिए नहीं उसके और निष्ठापूर्वक प्रसाद भाव से उसका आस्वादन करें प्रसाद का ग्रहण करने का भोजन करना बात अलग है और प्रसाद लेना बात अलग है भोजन तो भूख लगी है तो पेट भरना है कैसे भूख भरना है और जो प्रसाद है वो प्रसाद हमें कण भी मिल जाते हैं लेकिन बिना प्रसाद के कैसे रह जाए इस समय में हरिराम व्यास जी की कथा आती है वृंदावन के महापुरुष श्री हरिराम व्यास जी किसी कारण से
और मध्याह्न में जो पंगत होती है आश्रम रहे तो उनका अलग बाद में होगा, जैसे गुरु जी के हैं श्री हितरिवर जी महाराज के, तो आए वहां से जमुना जी से दोपहर में देर हो गई, यहां तक पंगत हो गई, पंगत हो चुकी है और अब भोजन तो मिलना नहीं है, प्रसाद तो मिल जाता, आज प्रसाद से वंचित रह गए, कितना भी मिल जाए प्रसाद, आज प्रसाद नहीं मिला, तो भोजन की समस्या नहीं है, नहीं दोपहर में नहीं मिला, शाम को मिलेगा, शाम को नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन नहीं प्रसाद तो, प्रसाद से तो वंचित रह गए, कैसे मिलो प्रसाद, कैसे मिलो, हो गया कब, हाँ कहावत तो के साथ हो गया, दाल का चूका बंद है और पंगत का चूका साधु और चूक गया तो चूक गया, फिर ठिकाने नहीं, रस ये लोग कहाँ रहे व्यास जी महाराज, कहाँ चले गए थे, अब यहाँ सब हो गया, सफाई हो चुकी है, अब क्या होता है, सब बाहर आए और बाहर देखा तो भंगन बैठी, भंगन और भंगन जो बड़ी पंगत होती तो बड़ी पंगत होती तो पत्ता मतलब समझे कर भंगन की टोकरी में डाले जाते, जूठन बटोर कर ले जाते, उसको डलिए लेकर बैठी, उसने सब सब पत्थर पड़े, तो पत्थर में तो प्रसाद है ही नहीं मिलेगा, बैठा रहिए वहाँ पर, यहाँ खड़े हैं आप खड़े हैं यहाँ, नहीं तुमसे संदेह, ए बालक यहाँ खड़े हो, यहाँ सब लोग मास्क लगा करके आ रहे हैं, बिल्कुल बंद है, उनको दे दिया, उनको दे दे तो कम चली, सीताराम जी महाराज की, तो श्री हरिराम व्यास जी को भंजन की टोकरी में प्रसाद दिखाई पड़ गया, प्रसाद पहले तो प्रसाद माने भगवत स्वरूप, प्रसाद भगवान का स्वरूप, वो अगर कोई छू देगा नीच जाति का तो वो अपवित्र नहीं माना जाता, नाली में पड़ जाए तो भी अपवित्र नहीं है, धोने की जरूरत नहीं है उसको, वो पवित्र है, इतनी श्रद्धा निष्ठा होने से, तो भंगे से कहा माता जी आपके दरिया में तो बहुत प्रसाद है, थोड़ा सा हमको दे दीजिए, दिमाग खराब हो गया, मैं भंगे हूं है, और कोई अच्छे भले आदमी दिखाई पड़ते हैं, साधु महात्मा दिख रहे हैं, अब भंगे की टोकरी में से प्रसाद मिले और कहीं प्रसाद नहीं मिला, नहीं माता जी नहीं है पंगत हो चुकी है, वहां प्रसाद नहीं मिला, आपके पास दे दी, बहुत भी उस स्थिति को जो उनके मन में चिंतन है, प्रसाद का जो निष्ठा है श्रद्धा है वो भंगे थोड़ी जानती है, भंगन है, बहुत काम बोली बाबा बहुत पीछे पड़े हो तो मैं तो नहीं दूंगी अपने टोटा, तो इन्होंने फिर एक पकौड़ी कड़ी पकौड़ी बनी थी उस दिन, एक पकौड़ी उठाई घूमने जाए, इनके रिश्तेदार लोग आए हुए थे वो इसीलिए आए थे कि इनको लौटा के ले चलो वापस, उसी में तो देर हो गई, अब वो सब लोगों ने देखा अरे राम राम इनकी बुद्धि खराब हो गई, भंगन की टोकरी में से पकौड़ी खा गए पकौड़ी की जात खराब हो गई, सनात ब्राह्मण थे शुक्ल परिवार, सुमोखन शुक्ल उनके पिताजी का नाम था, तो जितने रिश्तेदार थे सार ने कहा इनकी जात खराब हो गई, अब तो हम लोग पंगत में बैठने लगने, चलो छोड़ा इनको चलो, सब चले गए, व्यास जी ने कहा देखा हम सवेरे से समझा रहे हैं तो नहीं माने, और प्रसाद की एक पकौड़ी सब उख देते हो सब चले गए, और भगवान की तो नैवेद्य था प्रसाद का आस्वादन, 37 पाद्य स्वाद, पाद्य मन चरणा
भगवान के मंदिर के चरणामृत का स्वादन, उसको बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करना, तो उसमें स्वाद अनुभव करेंगे चरणाम पीड़ा। अरे तुमने वाणी से सोच कहे और वो ज्यादा स्थिति नीचे हो जाती उनको स्वाद मिलता है। हमने गांव देहात में मंदिरों में देखा कि चरणाम की बताशा डाल देंगे लोगों को चरणामृत का स्वाद बताशा से नहीं होता है। चरणामृत तो अमृत है, अमृत अमृत का स्वाद संसार की वस्तु से थोड़ी तुलना की जा सकती है। जिनकी बात हरिनाम व्यास जी के गुरुदेव श्री हितरवंशी महाराज छोटे बालक थे तो पिताजी ने लिए चरणामृत, जो भगवान ने चरणाम छोटे थे चरणामृत दिया तो चरणामृत जी लिया और दूसरे दिन सवेरे से मचल गए चरणामृत चरणाम। दूसरे दिन सवेरे से मदद बोले कुछ चरणाम दीजिए चरणाम दीजिए। पिताजी ने कहा और माता जी ने कहा कि अभी पूजा नहीं हुई तो चरणाम कभी कम नहीं है ना, हमको चरणाम चाहिए हमको चरणाम चाहिए हमको चरणाम, रो रहे। तो पिताजी ने कहा कि दे दो ना तिथियों तो कहाँ से दे दे, समझा हो जाती है धीरे से पंच पात ले लो उसमें जल भर लो आसमणी से दे दो हो गया। हाँ अरे भैया रखा था वो हमको देखो ध्यान नहीं था, पिताजी ने बताया तब हमारी समझ में आया है वो तो पहले से रखा हुआ था लोग तो लेकर के पंच पात में दिया जल और जल लेकर के पंच आचमणी से दो तीन आचमणी दे दिया ले अकाल मृत्यु हरण करो यार विनाशन विष्णु पाद तीखा पुनर्जमना भी देते ऐसे दिया उन्होंने थूक दिया। बोले ये कल वाला स्वाद नहीं है कल वाला स्वाद था, माता पिता तो धन रहे हमारी जिंदगी जीत गए हमको स्वाद नहीं मिला है और इनको देखो ये छोड़े थे भगवान इनको चरणामृत का स्वाद मालूम है, चरणामृत में स्वाद होता है, है? भगवान के नाम में स्वाद होता है लेकिन कब जब उसको श्रद्धा से लिया जाए तब। 38 धूप सौरभ माल्यादि की गंध लेना, भगवान को धूप लगाई जाए उसकी सुगंध अच्छी लगे, ठाकुर जी को अर्पण की गई ना तो धूप की सुगंधित दिव्य हो, चित्र लगाया हुआ भगवान को चित्र का मिल जाए अपने अलग से देकर के नहीं लगाता, फिर भगवान का प्रसाद है उसको भगवान की माला माला मिल जाए माला मिल जाए क्या सौभाग्य है हमको ठाकुर जी की प्रसाद ही माला मिली है। जय हो जय ये प्रसाद ही है कहाँ से वहीं से बिना प्रसादी के तो चंदन को और माला को ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, भगवान को चढ़ाई नहीं सीधे माला पहन दी ना अधिकारी नहीं तो इनके गंध को लेना। 38वां 39 में स्त्री मूर्ति का स्पर्श, ठाकुर जी का स्पर्श जिनके मंदिर में प्रवेश है उनके लिए बात है, नहीं तो अपने शिव ठाकुर जी अपने जो जिनकी सेवा हम आप करते हैं वो ठाकुर जी है चित्रपट है जैसे लगा ले रघुवर मिलन करे सुख पावन अनुभव करके हमारे ठाकुर जी हमारे गले से लगे हुए हैं इस स्पर्श का स्पर्श। श्री विग्रह का दर्शन, भगवान का दर्शन करे दर्शन करता रहे अनुभव करे कितने सुंदर है कैसे दिव्य अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे उनमें सुंदरता का दर्शन होने लगेगा। आरती तथा उत्सव आदि का दर्शन, आरती आरती हो रही है दौड़कर पहुंच जाए दर्शन करे, उत्सव हो रहा है तो पहुंच जाए घड़ी घंटे बजे दर्शन करे। आजकल ये चल रही मशीन बड़ी गजब की बात है, मंदिर मंदिर में अब वो मशीन लगी हुई है और वो मशीन ही बाजे बजा रही है सब हो रही है। उस दिन में एक आदमी प्लास्टिक वाला जैसे लड़के खड़े रहते हैं मतलब लड़के लड़कियां कपड़े की दुकान पे उनको कपड़ा पहना के खड़ा कर देते हैं, ऐसे ही कोई प्लास्टिक वाला खड़ा कर दिया और उसको मशीन लगा दी और वो आरती घुमाए
अरे कम से कम घड़ी घंटा रहे तो कोई बजाने वाला, सेवा तो उसको मिल जाएगी। और तो कुछ नहीं है, स्विच ऑन किया, ओ घड़ा बड़ा बड़ा शुरू शुरू, एक से एक नाटक लोग और शुरू कर देते हैं। इन साधु महात्मा नहीं करते हैं, बाहर से आते हैं ना लोग। महाराज जी वो मशीन हम लोग, जैसे आपके लोग कम है तो मशीन बचती रहेगी, महाराज जी तो कुछ नहीं समझते, हम लोग आए रहे हैं लगभग। तो बड़ी अच्छी बात है। अरे भाई कोई नहीं है तो पुजारी ही आरती कर लेता है, वो आरती करने के बाद फिर घड़ी हो जाती है, वो लगाए रहते हैं 100 यहाँ 100 यहाँ। हाँ बड़ी बढ़िया बजा लेते हैं। और जब व्यवस्था हो, कोई ना कोई व्यवस्था भी बन जाएगी, दो चार चेला कहीं जुट ही जाएंगे। मशीन चल गई, मशीन आप क्या भी लगे यहाँ शाम करते हैं, उनके यहाँ लगे कमाया भी लगे। चलिए 41 तक पहुँच गए तो आज की अगर सुनाई पड़े तो वहाँ जाना चाहिए, उत्सव का दर्शन करना चाहिए। इस समाज में अब हम कल कितना ही ठीक है, अगर बात समझ में आ जाए तो भगवान।